फाउंडेशन के जरिए तमाम लुटन में फंड रेजिंग तकरीब का इनका किया गया, जिसको मकसद तंजीम के जरिए तमाम जिला कोटी में सेहत तालीम और दीनी उलूम और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठे करना था। लुटन की चीदा चीदा शख्सियात ने अनमोल फाउंडेशन की दुखी इंसानियत के लिए खदमात और जज्बे को खूब सराहा। कामरान आबिद बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। दरबार आलिया भंडौर शरीफ तत्तापानी आजाद कश्मीर से मुंसलिक अल नूर फाउंडेशन के जेर एहतमाम मुनक्कद चैरिटी डिनर में चेयरमैन पीर सैयद इकराम हुसैन बुखारी और सैयद अली अब्बास बुखारी ने मुख्तलिफ चैरिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में शुरका को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अल नूर फाउंडेशन अमली तौर पर तत्तापानी और गिरदोनवा में तालीम, सेहत और दीनी अलूम पर खास तौर पर काम कर रही है। तत्तापानी में फ्री एम्बुलेंस सर्विस, साफ पानी के मनसूबे, यतीम बच्चों की कफालत, नादार बेसहारा व बेवा खवातीन की मदद और बिलखसूस लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन के लिए मिसाली किरदार अदा कर रही है, जबकि अल नूर अस्पताल और अल नूर वेमेन यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जिसने इस्लाम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी, जो कुछ अपने पास माल दौलत था, आका करीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लबैक कहते हुए इस्लाम को कबूल करते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजा कुबरा ने सब कुछ इस्लाम की तरबीज इरशाद के लिए कुर्बान करके ये पैगाम दिया, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा की खातिन, जब कभी भी इस्लाम के लिए तुम्हें आवाज़ दे। कौंसलर राजा असलम खान, कौंसलर रियाज भट्ट, कौंसलर ताहिर मलिक का कहना था कि जिला कोटली पसमानदा इलाका है, जहां तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इलाके में मुख्तलिफ मौजी बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में अल नूर फाउंडेशन की खिदमत और इलाके की आवाम की खिदमत का जज्बा काबिले सताइश है। अल नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ लुटन में तीसरा जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने अल नूर फाउंडेशन के जारी जो प्रोग्राम है उसके मुतालिक रोशनी डाली, और उसमें जो बुनियादी हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें सेहत का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे तालीम का प्रोजेक्ट है, और पीने का जो साफ पानी है उस पे है, और वहाँ पे जो ख्वातीन हैं उनके लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी का खास इंतज़ाम किया जा रहा है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें जो हमारी बेसिक फर्स्ट एड की जो ज़रूरियात हैं उसके मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, और उसके का जो एक नया इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोजेक्ट है हमारा हॉस्पिटल का वो पाइपलाइन में है, जिसका जो पहला लेंटर है वो पड़ चुका है और उसका बाकी काम तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह उसमें जो पाकिस्तान लेवल के जो अस्पताल हैं उस के मेयर का वो जब अस्पताल होगा इंशाल्लाह। मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अल नूर फाउंडेशन खासतौर पर तालीम के हवाले से और सेहत के हवाले से जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल हो रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोटली जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पानी के पीने के हवाले से बड़ी किल्लत है, और हेपेटाइटिस के हवाले से वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोटली में खासकर कोटली शहर में बहुत इशूज़ बने हुए हैं सेहत के हवाले से। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है ना इनको भरपूर सपोर्ट करना हमारी ज़रूरत है। ये जो प्रोग्राम अल नूर फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाईलाइट करने के लिए, उनकी हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में 250,000 जो डेथ होती हैं बिलो द एज ऑफ 5 ड्यू टू इन्फेक्शन रिलेटेड वो वाटर बोन्स होते हैं, और वो प्रिवेंट हो सकती हैं, और उसमें $1.3 बिलियन ये अखराज आते हैं। आम बंदे को वहाँ इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें सबसे कोटली जो है वो डिप्राइव्ड एरिया है, और ये जो पसमानदा इलाके हैं उनकी जो रेशियो है इन डिजीज़ की वन ऑफ द हाइस्ट इन पाकिस्तान है, और उसके अलावा 34% जो लोग हैं वो दिल की बीमारियों से ग्रेज हैं और मर रहे हैं, अगर वो भी उनको बचाया जा सकता है उसके बेसिक एजुकेशन और जो अफेक्टिव हेल्थ केयर होनी चाहिए। अल्लामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, अल्लामा प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी, नजीर अहमद कुरैशी, मुमताज भट्ट, मलिक आजाद, मसूद शरीफ और दीगर अफराद ने अल नूर फाउंडेशन दरबार आलिया भंडौर शरीफ तत्तापानी की खिदमत को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की और अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत अफजल नहीं। पीर सैयद इकराम बुखारी की निगरानी में अल नूर फाउंडेशन और उसकी पूरी टीम का किरदार काबिले सताइश है। अल नूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज खूबसूरत चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें लुटन के मुसलमानों ने भरपूर तरीके से शमूलियत करके साहिबजादा सैयद इकराम हुसैन शाह साहब बुखारी चेयरमैन अल नूर फाउंडेशन के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए ये कहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम अल नूर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भरपूर मदद करेंगे। हमारे इस्लाम के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करना और एक दूसरे की मदद करना ये बहुत बड़ी बुनियादी बात है, और इस्लाम में ये दास देता है भाईचारे का दस तातम की पैदाश से लेकर आज दिन तक जो बुनियादी चीज़ है मुसलमानों के लिए खास करके,
کہ ہم محبت کو فروغ دیں گے, آپس میں اتفاق سے اس کو فروغ دیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام عبادات سے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. النور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا جو یہ ایونٹ تھا اس میں بیسیکلی النور فاؤنڈیشن کے جتنے بھی پاکستان کے اندر پروجیکٹ چل رہے ہیں, وہ غریب اور نادار بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, وہ ایمبولینسز کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس حوالے سے ہے, جو جدید تعلیم جو ایک اسپتال قائم کیا جا رہا ہے النور اسلامی یونیورسٹی تھی, تو اس کے تمام ڈونرز کے اعزاز میں بیسیکلی آج کا یہ پروگرام تھا. اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ النور فاؤنڈیشن کو جو اپنے عطیات دیتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ڈونرز نے کہا کہ وہ خود جا کے انہوں نے دیکھا ہے مدد, اور ان سے تعاون کرنا چاہیے. النور فاؤنڈیشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور النور فاؤنڈیشن میں کا جو کام ہے اس میں خواتین کی یونیورسٹی اور یہ ایمبولینس اور دوسرے ٹریننگ کا کام ہو رہا ہے. چیریٹی ڈنر و فنڈ ریزنگ تقریب میں لوٹن کے مقامی علماء کرام, کونسلرز, سیاسی و سماجی شخصیات اور بالخصوص خواتین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اور النور فاؤنڈیشن کے لیے دل کھول کر عطیات دیے. تقریب کے اختتام پر امت مسلمہ کو درپیش مسائل, پاکستان کی ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی.